सनातन धर्म में मानव सेवा को सर्वोपरि माना गया। मानव सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। ऐसे ही निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक आध्यात्मिक प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है जो पिछले 25 वर्षों से मानव सशक्तिकरण और सामुदायिक पुनरुद्धार के लिए कार्यरत है। कोई जरूरतमंद हो या गरीब के लिए चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा स्वावलंबन हो या कौशल विकास या फिर पर्यावरण संरक्षण, इन सभी क्षेत्रों में निरंतर कल्याणकारी कार्य कर रहा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। इसी कड़ी में सेवा साधना के 25वें वर्ष में दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा एक वर्षीय शिव अवतरण, शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ कार्यक्रम के तहत 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का आयोजन सेवा कुंज दिव्य प्रेम सेवा मिशन चंडीघाट हरिद्वार में किया गया है, जो 11 मार्च 2021 से आरंभ हुआ और 1 मार्च 2022 को इसका समापन होगा। मानवता के पुजारी डॉक्टर आशीष गौतम भैया द्वारा लिया गया शिव अवतरण का संकल्प अकल्पनीय है। भक्ति ही एक साधन है जिससे ईश को प्राप्त कर जीवन के मूल उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है, और ईश वंदना करने का सौभाग्य दिव्य प्रेम सेवा मिशन में मिल जाए तो पूर्ण के क्या कहने। इस न्यास में चल रहे 1 वर्षीय 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान के अंतर्गत प्रातःकाल की बेला में भक्तों ने श्रद्धेय आशीष भैया जी के निर्देशन में योग और ध्यान किया। इसके बाद 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन हेतु महादेव की वंदना की गई। मंत्रोच्चार के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों और दिव्येश्वर महादेव की आराधना की गई। विधिपूर्वक रुद्राभिषेक किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आरती कर पुण्यार्जन किया। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के 25 वर्ष पूर्ण होने पर हम सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आदरणीय आशीष जी का हमको इसी तरह से मार्गदर्शन मिलता रहे और सेवा साधना और इसी तरह से अध्यात्म के नए मार्गों पर हम आगे बढ़ते रहें। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के सेवा साधना के 25वें वर्ष में अर्थात रजत जयंती वर्ष में प्रवेश के उपलक्ष में हमारे मार्गदर्शक मंडल, संरक्षक मंडल, संचालन समिति, सभी देश भर के हजारों शुभ चिंतकों का एक संकल्प कि हम लोग जहाँ पर 25 वर्ष से सेवा साधना चल रही है, सेवा कुंज दिव्य प्रेम सेवा मिशन चंडीघाट, जो माँ गंगा की गोद में है, मातृशक्ति के त्रिकोण में है, हिमालय के द्वार में है, पवित्र हनुमान मंदिर और शिव मंदिर की पावन आभा में है, उस स्थान पर शिव अवतरण मंडपम में भगवान शिव के अवतरण की आराधना करेंगे, पूजा करेंगे। इसलिए तय किया हम सभी मिलकर के 1 वर्ष में कभी न कभी आएंगे, 1 दिन आएंगे, 2 दिन आएंगे, 4 दिन आएंगे, परिवार सहित आएंगे, मित्र परिकर सहित आएंगे। क्यों? हम शिवरात्रि से लेकर के शिवरात्रि 1 वर्षीय दिव्य अनुष्ठान में 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे, पूजन करेंगे, अर्चन करेंगे और रुद्राक्ष वृक्ष में इसको 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करेंगे। यही भाव पीछे इसका, सेवा साधना का भाव, संबोधि का भाव, शिव ज्ञान से जीव सेवा का भाव, शिव के अवतरण का भाव, शिव की शरण में जाने का भाव, शिव तत्व को अपने जीवन में अवतरित करने के आवाहन का भाव और समस्त जीव सृष्टि को शिव में देखना, शिव ज्ञान से जीव सेवा भाव, शिव भावेन जीव सेवा के लिए
अपना जीवन में समर्पित कर सकूं। चूंकि स्वामी विवेकानंद ने कहा है, त्याग और सेवा भारत के राष्ट्रीय आदर्श हैं, यानी उन सूत्रों के आधार पर चल करके शिवत्व के अवतरण के भाव से मैं इस यज्ञ में सम्मिलित हो सकूं, इसी भाव से ये दिव्य अनुष्ठान समग्र विश्व का अलौकिक अनुष्ठान शिवरात्रि 11 मार्च को प्रारंभ होता है। 1 मार्च 2022 की शिवरात्रि तक एक वर्ष का दिव्य महा अनुष्ठान, जिसमें देश भर के कार्यकर्ता दूर दूर से नित्य प्रति अपनी शिवलिंग निर्माण के रूप में आहुतियां प्रदान कर रहे हैं। आप भी आइए अपनी आहुतियों हेतु। शास्त्र कहता है, जो भी इस कलयुग में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता है, पूजन अर्चन करता है, अभिषेक करता है, उसको भगवान शिव की कृपा, जितने भी भौतिक कष्ट हैं, शारीरिक हैं, मानसिक हैं, आर्थिक हैं, सभी प्रकार के कष्ट भगवान शिव दूर करते हैं और साथ में अपने शिव लोक में स्थान प्रदान करते हैं, भक्ति प्रदान करते हैं, आध्यात्मिक जीवन देते हैं। यही इसके पीछे का हेतु और भाव। दिव्य प्रेम सेवा मिशन पिछले 25 वर्ष से स्वामी विवेकानंद जयंती 1999 से सेवा साधना के क्षेत्र में हैं। निस्वार्थ भाव से, बिना किसी सरकारी सहायता के, नवयुवकों की हृदय की करुणा, संवेदनशील समाज का सहयोग, संतों का आशीर्वाद, परम पिता परमेश्वर की कृपा से संचालित है आज 25 से ज़्यादा सेवा आयाम, सेवा गतिविधियाँ, सेवा प्रकल्प। इस सेवा कुंज दिव्य प्रेम सेवा मिशन से संचालित हो रहे हैं। वो काम जरूरतमंदों को शिक्षा दे सके, स्वास्थ्य के संवर्ध, स्वास्थ्य कैसे ठीक हो सके, उसका आर्थिक उन्नयन कैसे हो सके, स्किल डेवलपमेंट उसका कैसे हो, कैसे वो उसके जीवन में स्वरोजगार खड़ा हो, आत्मसम्मान खड़ा हो, स्वावलंबन खड़ा हो और आध्यात्मिक सेवा द्वारा आध्यात्मिक जीवन में अपना प्रवेश करे, जिसलिए जन्म लिया है उसकी पूर्ति कर सके, यही सब इसका उद्देश्य है। इसके साथ में चल रहा, साथ में गीता का अध्याय 6, उस पर चर्चा कब करते हैं, नित्य करते हैं, आत्मसंवाद अंतरयात्रा शिविर में करते हैं। आज हम लोग गीता के अध्याय 6 के 41वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। प्राप्य पुण्य कृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समा शुचिनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्गादि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। क्योंकि अर्जुन ने भगवान कृष्ण पर ट्रस्ट किया है, विश्वास किया है, गुरु के रूप माना और साक्षात परमपिता परमेश्वर इस रूप में मान लिया उनको। अब भगवान कृष्ण अध्याय 6 में लगातार अभ्यास योग की चर्चा कर रहे हैं, ध्यान की चर्चा कर रहे हैं, कैसे बैठना, कैसे ध्यान करना, कैसी अवस्था में करना, किस व्यवस्था में करना, कैसा स्थान हो, किस कैसा आपका आसन हो, कैसी शरीर की स्थिति हो, ये सब कुछ वर्णन किया है। अर्जुन सुन रहा है, समझ रहा है, फिर कह रहा है, प्रश्न किया उन्होंने कि मैं अगर
योग करता हूँ, कोई भी योगी जीवात्मा का प्रश्न है, व्यक्ति विशेष का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, अपने परम पिता परमेश्वर आराध्य गुरु इष्ट से जीवात्मा का प्रश्न है कि मैं जब योग करूंगा, ध्यान करूंगा, जप करूंगा, तो अगर मेरा शरीर पूरा हो गया, अंत में विचलन हो गया और मेरी साधना पूर्ण नहीं हो सकी, परमपिता परमेश्वर का दर्शन मुझे नहीं हो सका, आत्मदर्शन नहीं हो सका, तो मेरी स्थिति क्या होगी? उस पर भगवान कृष्ण एक योग भ्रष्ट शब्द आया है। अब जरा, एक भ्रष्टाचार शब्द बड़ा खराब चलता है दुनिया में आज और ज्यादा, ये उस दृष्टि से मत लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। योग भ्रष्ट का मतलब इतना लेना चाहिए कि हम बद्रीनाथ की यात्रा पर निकले थे या केदारनाथ धाम भगवान शिव की यात्रा पर निकले थे, शाम हो गई, देवप्रयाग में सो गए, शाम हो गई, रात हो गई, परिस्थिति ऐसी आ गई, आजकल पहाड़ में देखते हैं, रोज पढ़ते हैं, देखते हैं अखबारों में, भूस्खलन हो जाता, रास्ते बंद हो गए किसी कारण से, तो हम सो गए। तो सो गए तो क्या हुआ, एक रात सोएंगे, आराम करेंगे, सुबह तक रास्ता खुल गया, फिर चल दिए केदारनाथ गुप्त काशी की ओर हम। अब गुप्त काशी से कहीं से हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की थी, प्रबंध किया था, किसी कारण से आज चलो आसमान में बदली आ गई, मौसम अनुकूल नहीं था हेलीकॉप्टर के योग, तो एक रात गुप्त काशी या गौरीकुंड कहीं रुकना पड़ा। अच्छी बात है, क्या बुरा है, रुक गए। यही योग भ्रष्ट, इतना ही अर्थ लीजिएगा इसको, कि जिसने साधना जितनी की है, जितनी कर ली है, अंत समय विचलन हो गया, ठीक है, तो ऐसे जो है पुण्यवान, और जो जिसलिए जन्म, जिस भाव से साधना कर रहा था, दो प्रकार भाव इसमें है, जिस भाव से कि मुझे, जैसे वेद की चर्चा कल कर रहे थे, वेद में सब प्रकार के भाव हैं, मुझे शक्ति मिले, सामर्थ्य मिले, प्रतिष्ठा मिले, पद मिले, पैसा मिले, स्वर्ग लोक के सुख मिले, राजनीतिक पद मिले, मुझे संपत्ति मिले, मुझे पत्नी मिले, इतने प्रकार की सारी कामनाओं के साथ कर्म कांड करता है, यज्ञ आदि करता है कि मुझे उत्तम लोक मिले, तो ऐसा योग भ्रष्ट पुरुष जिसके मन में कुछ आकांक्षा थी, अभी शेष आकांक्षा थी, ऐसे स्वर्ग आदि जो उत्तम लोक हैं, जितने दिन का उसका पुण्य फल है। अब जैसे यही हम लोग जो सवा कोटि पार्थिव शिवलिंग का संकल्प लिया है, वैदिक विधि विधान से कर रहे हैं, प्रामाणिकता के साथ ब्राह्मणों का कर्म कांड चल रहा है, शिवलिंग निर्माण, अब इसके लिए व्यक्तिगत सुख की आकांक्षा, स्वर्ग की सुख की आकांक्षा की जा सकती थी, तो नहीं की गई ना, इसलिए पुण्यवानों के लोक जो भी हैं, स्वर्ग आदि लोक प्राप्त होते हैं, हो गए। अब इसमें ध्यान रखने की बात है, दो प्रकार के होते हैं, किसी को अब जैसे आप लोग सुबह से योग प्राणायाम ध्यान कर रहे हैं, हमको पता है कुछ कार्यकर्ताओं ने पूरा रात्रि जागरण किया है, रात भर शिवलिंग निर्माण किया है, तो इस समय सो सकते थे, लेट सकते थे, टीवी देख सकते थे, चाय पी, कुछ अन्य कोई अपने सुख के जो भौतिक सुख देता है, इंद्रिय सुख दे, कर सकते थे, लेकिन नहीं, आप जल्दी जगे हो, स्नान किया है, अन्य दिनचर्या अपनी पूरी की है, अभी चाय भी नहीं पी होगी, और ध्यान पर बैठ गए, गीता के प्रबोधन पर बैठ गए आकर के, आपको वो सुख भोग विघ्न लग रहा होगा, विघ्न, तभी तो बैठे हैं,
कमलेश जी दूर से आकर बैठे हैं, तो हमको विघ्न लगा, विघ्न। तो कुछ लोगों को विघ्न लगता है, ये ना ये लोग के सुख हमको विघ्न है, क्या फायदा इनका। चलो साधना करते हैं, जप तप करते हैं, परमपिता परमेश्वर का नाम लेते हैं, भक्ति करते हैं, तो फिर ऐसी आत्मा क्या होता है। तो ऐसी आत्मा एक शब्द दिया है, श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है जिनका आचरण शुद्ध है, अर्थात जिन परिवारों में किसी को छल करके, कपट करके, धूर्तता करके कागज के टुकड़े चाहिए नहीं, जो किसी की संपत्ति नहीं लेते, किसी का हक नहीं मारते, जो मजदूर का 100 रुपए तो कहो अब 125 दे देते हैं, जिनके पास संपन्नता तो है लेकिन शुभता से है, सुचिता से है, योग्यता से है, उन्होंने पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाई, व्यक्ति के श्रम का शोषण नहीं किया, नंबर दो के धंधे नहीं किए, नकली काम नहीं किया, ऐसे श्रीमान पुरुषों के घर में शुद्ध आचरण जिनका है और उनके यहाँ पर निवास करता है, उनके यहाँ पर जन्म लेता है, इसलिए ऐसी आत्माएं श्रीमानों के पुरुष में, जिनका श्रीमानों के घर में जिनका शुद्ध आचरण है, आर्थिक संपन्नता है, पद प्रतिष्ठा भी है, लेकिन जप का तप का घर में योग का वातावरण है, ऐसे परिवारों में ऐसी दिव्यात्माएं जन्म लेती हैं। यही योग भ्रष्ट की गति भगवान श्री कृष्ण ने कही है। सायंकाल में रुद्राक्ष वृक्ष के सम्मुख महादेव की मंगल आरती की गई। दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा संचालित सेवा के विविध प्रकल्प, चिकित्सालय, विद्यालय, छात्रावास, पर्यावरण संरक्षण, हरितम संवर्धन, गंगा स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों को प्रेरणा देने का प्रयास, नवयुवकों के माध्यम से सेवा कुंज परिसर, गंगा भोगपुर तल्ला पौड़ी गढ़वाल से संचालित हो रहा है। सेवा मिशन के इस पुनीत प्रकल्प में सहयोग देकर आप भी पुण्य के भागी बने। संस्था का बैंक अकाउंट है दिव्य प्रेम सेवा मिशन न्यास, शाखा हरिद्वार, उत्तराखंड। ICICI बैंक अकाउंट नंबर 02390100105। IFSC कोड ICICI 0000239। सेवा मिशन को दी जाने वाली राशि आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत आयकर मुक्त होगी। दिव्य प्रेम सेवा मिशन, शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ, 1 वर्षीय अनुष्ठान, 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन से जुड़े संपर्क सूत्र 9412917497, 9219669687, व्हाट्सएप नंबर 9713283333, ईमेल आईडी contact@shiv-avtaran.org, वेबसाइट www.shiv-avtaran.org। दिव्य प्रेम सेवा मिशन की कल्याणकारी सेवा कार्यों से जुड़ने के लिए संपर्क करें, संपर्क सूत्र 9219595552, 8865046734, व्हाट्सएप नंबर 9219599552, ईमेल आईडी divyaprem03@gmail.com, वेबसाइट www.divyaprem.co.in।